Good morning everyone, welcome back to our online class again. Till now we have completed our 5 lesson of our part history, geography and civics. I will provide you the question answer of lesson of 5th of history in PDF format. Now we are going to continue with the 6th lesson of civics, that is understanding our criminal justice system. अब हमारे पास 6th लेसन है, उसमें हम पढ़ेंगे कि क्या हमारे यहाँ व्यवस्था है क्रिमिनल आपराधिक। आपने देखा दो प्रकार के कोर्ट है हमारे, दो प्रकार के केसेस हम डिसाइड करते हैं, एक तो था क्रिमिनल और दूसरा था सिविल। सिविल जिसके अंदर हमारे पास प्रॉपर्टी या डाइवोर्स मैरिज से रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं उनके बारे में। दूसरा क्रिमिनल कौन सा होता है, वेयर थेफ्ट, उसके साथ साथ एनी मर्डर एटसेट्रा, दीज कम अंडर क्रिमिनल केसेस। तो ये हमारे यहाँ क्रिमिनल केसेस और सिविल केसेस दो प्रकार के होते हैं। इसमें हम क्रिमिनल केसेस के बारे में पढ़ेंगे कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हमारा कि हमारे आपराधिक जो न्याय व्यवस्था है, अपराधों के लिए जो न्याय व्यवस्था वो कैसी है। तो उसमें देखो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है, अगर इंट्रोडक्शन की बात करें शुरुआत से, कि अगर कोई भी नियम तोड़ता है तो हमारे दिमाग में क्या आता है, लेट्स इन्फॉर्म टू द पुलिस, कि क्यों पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया जाए, पुलिस को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, पुलिस को ध्यान देना चाहिए। फिर उसके बाद हम चाहे मूवी देखें चाहे हम रियल लाइफ में देखें, कोई भी घटना होती है तो पुलिस रिकॉर्ड करती है सारी चीजें, उसके बाद इन्वेस्टिगेट करती है, तो हमें लगता है कि एवरीथिंग इज डन बाय पुलिस ओनली, इन्वेस्टिगेशन एंड देन आफ्टर हु इज गिल्टी टू पनिश हिम और हर, कि अगर जांच करनी है तो अगर कोई दोषी है या नहीं वो डिसाइड करना पुलिस का काम है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है, इट इज डन बाय कोर्ट ऑफ लॉ, जो हमारे यहाँ कोड बना रखे नियमों के अनुसार, संविधान के नियमों के अनुसार वो डिसाइड करते हैं कि हु इज गिल्टी, कि गिल्टी कौन है। अब हमारे पास व्यवस्था कैसे स्टार्ट होती है, आप किसी भी केस में देखेंगे तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले कि इफ एनीथिंग हैपेंड, कुछ भी घटना होती है, देन पुलिस इज गोइंग टू फाइल एन एफआईआर, एक एफआईआर होती है पुलिस के द्वारा। उसके बाद वो जो एफआईआर करने के बाद इन्वेस्टिगेट करती है, इन्वेस्टिगेट करने के बाद एक चार्ज शीट तैयार करती है वो, कि क्या क्या उसके ऊपर चार्ज है, क्या क्या आरोप है, और वो फाइल करती है कोर्ट में। देन कोर्ट इज गोइंग टू डिसाइड द अक्यूज्ड, अक्यूज्ड होता आरोपी, इज गिल्टी और नॉट, कि वो दोषी है या नहीं। अब इसमें हमारे पास ये संविधान में लिखा हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति को एक फेयर ट्रायल का मौका मिलना चाहिए। हमने किसी पर आरोप लगा दिया कि उसने किसी का मर्डर किया है, उसने चोरी की है, हमारे पास एविडेंस है लेकिन पूरे नहीं है या एविडेंस है ही नहीं, तो हम उस व्यक्ति को सीधा आरोपी थोड़े मान लेंगे, उस व्यक्ति को दोषी नहीं मानेंगे, आरोपी तो मान लिया दोषी नहीं मानेंगे। उसके लिए कोर्ट या हमारे संविधान में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए अपनी बात रखने का, फेयर ट्रायल का, कि उसके सामने निष्पक्ष तौर पर एक केस चलाया जाए उसमें तय होगा। अब हमारे पास चलो कंटिन्यू करते हैं हम इस टॉपिक के बारे में, एक फिक्शियस एक काल्पनिक कहानी बनाई गई है इसमें, उसमें दे रखा है कि हमारे पास एक मिस्टर एंड मिसिस शिंदे, उनके घर पर जो शांति है वो मेड का काम, नौकरानी का काम करती है। वंस मिसिस शिंदे वाज प्रिपेयरिंग टू गो आउटसाइड एंड शी हैड फाउंड हर गोल्ड चेन, वो कहीं बाहर जाना चाह रही थी लेकिन उसने अपने ड्रॉअर में देखा उसकी सोने की चेन नहीं मिली। उसके बाद उसने अपने पति को बताया, मिस्टर शिंदे को इन्फॉर्म किया और उसको बोला कि मेरे रूम में शांति के अलावा दूसरा कोई नहीं जाता और वो चेन वहां नहीं, इसका मतलब उसने चुराई है। उसके बाद वो शांति को जाके बोलते हैं पुलिस में रिपोर्ट करेंगे नहीं तो अपना बैग लेके आओ, वो बैग लेके आती है, दे फाउंड 10,000 rupees इन द ट्रंक और बैग ऑफ शांति, शांति को 10,000 rupees मिलते हैं। फिर मिस्टर शिंदे बोलते हैं इसका मतलब तुमने वो चेन चुरा के बेच दी, उसके 10,000 rupees हैं ये। देन दे अप्रोच टू द पुलिस, उसके बाद पुलिस के पास गए और वहां SI जो थे सब इंस्पेक्टर राव थे, उनको इन्फॉर्म किया गया, उन्होंने FIR फाइल की, उनकी पूरी रिपोर्ट लिख ली, उन्होंने दोस्तों बताया। देन ही अरेस्टेड शांति, उसने शांति को अरेस्ट कर लिया एंड इवन द 10,000 rupees आर सेज्ड बाय द सब इंस्पेक्टर एंड टेकन इन द सिक्योरिटी, कि उन्होंने 10,000 rupees अपने पास रख लिए कि जब तक इसका ऐसा का फैसला नहीं होता हमारे पास रहेंगे। अब शांति ने बोला तो मेरी सेविंग है, मेरे भाई ने जो काम किया उसकी सेविंग है, मैंने चुराया नहीं है, लेकिन उनकी बात को नहीं सुना जाता। उसके बाद सुशील जो उसका भाई है वो जब पुलिस स्टेशन जाता है तो उसको जबरदस्ती जेल के अंदर डाल दिया जाता है फॉर 2 days, लगभग 2 दिन तक रखा जाता है, जबकि विद इन 24 hours the accused to be present in front of the court, he court में 24 घंटे में ले जाना चाहिए लेकिन यहाँ उसको 2 दिन तक रखा जाता है। he was beaten even by the SI as well as the constable, जो वहाँ constable थे उन्होंने उसको पीटा भी, to confess कि वो खुद मान ले his guilty, अपनी वो गलती मान ले, लेकिन ऐसा नहीं होता, बोलता नहीं मैंने किया ही नहीं। अब उसके बाद एक चार्जशीट
तैयार की जाती है किसके द्वारा, एसआई राव के द्वारा, और वो कोर्ट में पेश की जाती है। इसी दौरान उसको जमानत तो मिल जाती है, बेल तो मिल जाती है किसको, शांति को। लेकिन प्रॉब्लम कहां आती है, प्रॉब्लम आती है समवन इज देयर मस्ट बी ए श्योरिटी, जो उसकी गारंटी लेने वाला होगा। अगर वो कोर्ट में नहीं आती केस के लिए तो हु इज गोइंग टू अपियर, हु इज टेकिंग द रिस्पांसिबिलिटी टू अपियर हर, कि कौन उसकी जिम्मेवारी लेगा वहां आने के लिए। उसके लिए 20,000 रुपए चाहिए और ऐसा कोई व्यक्ति उसको नहीं मिलता, फिर वो जेल में ही रहती है। उसके बाद उसके जब चार्जशीट फाइल होती है केस चलाने के लिए कोर्ट में पेश किया जाता है, तो वो मना करती है कि मेरे पास तो पैसे भी नहीं और कोई वकील नहीं है। देन द कोर्ट प्रोवाइड हर ए एडवोकेट, फिर उसके बाद कोर्ट उसको एडवोकेट प्रोवाइड कराता है। वो क्या कहलाएगा, जो उस अक्यूज्ड आरोपी के लिए जो खड़ा हो गया है डिफेंस लॉयर, उसकी सुरक्षा करने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए, उसको बचाने के लिए है, तो उसको कहते हैं डिफेंस लॉयर। और जो केस लड़ रहा है सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से, जो सारे चार्जशीट फाइल की उसको जस्टिफाई करने के लिए, वो होता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर। जो सरकारी वकील है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, और जो दूसरा उस अक्यूज्ड को जिसके ऊपर आरोप लगे हैं उसको बचा रहा है वो कौन सा, डिफेंस लॉयर है। अब कोर्ट के आदेश देता है कि इसको शांति को एक वकील प्रदान किया जाए, सरकार पे करेगी उसके लिए, और वकील प्रोवाइड कराएगी कमला रॉय, कमला रॉय एक वकील उनको दे दी जाती है। अब एक हमारे संविधान में लिखा है इसके लिए वकील के लिए क्यों दिया गया वकील, आर्टिकल 22 के तहत प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है, यानी अपने लिए वकील करने का अधिकार है, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने बचाव के लिए। और आर्टिकल 39A में ये लिखा है, आर्टिकल 22 में तो लिखा है प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार अपने बचाव के लिए वकील करे, और 39 में ये लिखा है इफ समवन इज पुअर और डिसेबल्ड, इफ ही और शी इज नॉट एबल टू हायर ए एडवोकेट, अगर वो नहीं कर सकता, देन गवर्नमेंट विल प्रोवाइड ऑन द गवर्नमेंट एक्सपेंसेस, सरकार प्रोवाइड कराएगी वकील। तो इसी आर्टिकल 39 में ये के तहत ये वकील सरकार ने प्रोवाइड किया, उसका पैसा कौन देगी, सरकार देगी। अब उसके बाद सारी हियरिंग होती है, उसके बाद जो कमला रॉय है वो क्रॉस एग्जामिन करती है मिस्टर और मिसेस शिंदे, जो किसी में महत्वपूर्ण एविडेंस भी है और आरोप भी उन्होंने लगाया है। उसके बाद उसको शांति जब बोलती है, शांति के बारे में जो बोलती है मिसेस शिंदे की, मैंने उसको देखा तो नहीं, वो बोलते देखो आपने देखा नहीं उसको चोरी करते समय, पिछले 3 साल से काम करे, 3 साल में उसने कभी चोरी नहीं की, तो आप कैसे कह सकते उसने चोरी की। उसी दौरान सुशील जो शांति का भाई, उसको याद आता है कि जब उसको जेल में 2 दिन रखा गया था तो मिस्टर शर्मा जो इंस्पेक्टर हैं उन्होंने गैंग को पकड़ा था जो कि चोरी करने वाला था, उस गैंग में मिसिस और मिस्टर शिंदे के दोस्त, जो लड़का है उनके दोस्त भी शामिल थे। तो मिस्टर शर्मा को बुलाया जाता है और वो मान लेते हैं कि हाँ ये चैन मिली है और मिस्टर और मिसिस शिंदे ने उसको पहचान भी लिया है। उसके बाद जज जो मजिस्ट्रेट है क्रिमिनल कोर्ट में, वो आदेश देते हैं कि शांति को रिलीज कर दिया जाए और मिस्टर राव को फटकार लगाते हैं किस चीज के लिए कि आपने ढंग से इन्वेस्टिगेशन नहीं की। अब इतनी सारी कहानी के बाद हमें देखो कितनी सारी चीजें महत्वपूर्ण भूमिका किस चीज़ ने निभाई, अगर कोई भी केस होता है सबसे पहले तो एफआईआर लिखी गई थी पुलिस के द्वारा, तो सबसे पहली भूमिका पुलिस की होगी। अब उसके बाद पुलिस ने जैसे ही चार्जशीट तैयार कर दी कि क्या क्या आरोप बनते हैं, क्या क्या किया उसने, एविडेंस उसने जो इकट्ठे किए उसके आधार पर उन्होंने चार्जशीट दाखिल कर दी कि ये इसके ऊपर आरोप है, ये इसने गलती की है और इसके लिए एविडेंस है। वो थी चार्जशीट, चार्जशीट जब दाखिल की उसके बाद उस चार्जशीट के ऊपर आर्ग्यूमेंट करने के लिए सरकार की तरफ से वकील शामिल हुआ, तो वो कौन था, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। दूसरी भूमिका किसकी होगी, पब्लिक प्रोसिक्यूटर की। अब तीसरी भूमिका किसकी हुई, अब पुलिस ने तो इन्वेस्टिगेशन करके चार्जशीट एफआईआर लिखी, इन्वेस्टिगेशन की चार्जशीट दाखिल कर दी और उसके ऊपर अपनी बात रखने के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सरकारी वकील आ गया, उनको ये साबित करने के लिए उन्होंने किया है या नहीं किया है उसके लिए। अब उनको बचाने के लिए डिफेंस लॉयर, जो कमला रॉय को साबित किया गया था, तीसरा है हमारे पास डिफेंस लॉयर, जो भी अक्यूज्ड है उसको फेयर चांस मिला उसके लिए जो वकील हुआ वो हो जाएगा डिफेंस लॉयर। तीसरा किसी भी क्रिमिनल केस के अंदर अगर हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बात करें तो महत्वपूर्ण लोग कौन से हो गए, पहला तो पुलिस, दूसरा पब्लिक प्रोसिक्यूटर, तीसरा हो जाएगा डिफेंस लॉयर, और चौथा हु गेव द डिसीजन वर्डिक्ट, जिसने फैसला सुनाया, किसने सुनाया फैसला, जज ने। तो एक केस के अंदर 4 महत्वपूर्ण लोग हैं, कौन कौन से, पुलिस, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, डिफेंस लॉयर और लास्ट में जज, जो कि फैसला सुनाता है। इन द नेक्स्ट क्लास, इट इज द इंट्रोडक्शन पार्ट ओनली, इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू कंटिन्यू अबाउट एवरी वन, एवरी पार्ट ऑफ द केस, एवरी 4 मेजर की प्लेयर्स ऑफ द केस, वन बाय वन, हर एक के बारे में, एक के बारे में पढ़ेंगे, पुलिस की क्या भूमिका है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर का क्या काम है, कैसे अपॉइंट होता है, कौन अपॉइंट करता है, उसके बाद डिफेंस लॉयर का क्या काम है,
उसके बाद लास्ट में जज किस प्रकार डिसीजन देता है, तो इन सब के बारे में वन बाय वन हम नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड से, फ्रॉम नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद अ वेरी सेम टॉपिक बट वन बाय वन. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.